इंटीग्रल ध्यान में रखूं। कल हम लोगों ने घनमान टॉपिक पर अगर बात की थी तो इसके बेसिक पार्ट जितने भी होते हैं हमने वो बताए थे आपको। सबसे पहले तो फार्मूले बताए थे, मान लो जिसने कल छुट्टी मारी है उसको आज कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मेरी मान लो एक क्वेश्चन अभी हम देखे और आप खुद देखे तो उसको समझ में नहीं आने वाला है और आज की फिर पूरी क्लास को दिक्कत भी करने वाली है। मैंने कहा ना दोनों पार्ट जो होते हैं, अगर दो पार्ट में क्लास में गई तो दोनों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। आप एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है चीजें, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन बात नहीं, एक 5 सेंटीमीटर के, एक 5 सेंटीमीटर के घन की सम्मुख सतहों को लाल कामा पीले तथा हरे रंग से रंगा जाता है। फिर उसको 5 समान भागों में काटा जाता है। 5 समान भागों में काटा जाता है तो नंबर एक क्वेश्चन आ रहा है, कुल कितने घन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बेटा पूछा जा रहा है कुल कितने घन बनेंगे। ये लो पहला क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर क्या होगा, कल जिसने पढ़ा उसको बात समझ में आनी चाहिए। थोड़ी सी भाषा को चेंज कर दिया है, एक 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है उसको 5 भागों में काटा गया है। इसका मतलब क्या होगा, एक सेंटीमीटर भुजा वाले में तो काटा गया होगा, तभी तो 5 भागों में काटा गया होगा। अरे यही तो कल पढ़ रहे थे, जब उसको 4 सेंटीमीटर भुजा वाले को जब काट रहे थे, 1 सेंटीमीटर में काट रहे थे, 4 पार्ट में कट रहा था वो। अब इसने क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर के घन के एक समूह सतह को लाल पीले तथा हरे रंग से रंगा जाता है, उसको 5 समान भागों में काटा जाता है। मतलब 5 को पाइप के छोटे छोटे टुकड़े काटे गए 5 भागों में, तो आपका टोटल पाइप के टुकड़ों की संख्या क्या होगी। ओवरऑल मैं आपको बात बता दूं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि ये है बड़ा वाला घन, कल हमने बहुत अच्छे से इस पर बात की थी। मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक भैया बहुत शानदार था। अब इसको 5 हिस्सों में काटना है तो चाकू कितनी बार चलाना पड़ेगा, बता दे नहीं। अगर 5 हिस्से काटने हो किसी चीज के तो उसमें चाकू कितनी बार चलेगा, 4 बार। तो देखो अब 4 बार हमने इसमें चाकू जब चलाया तो ये स्थिति में इसकी कंडीशन आई, देखो ये हर जगह से 4 तरह से कटेगा। ये ऐसे ये घन के रूप में तो काटना है ना, बात ये है, ये देखो ऐसे कटेगा। पेपर में कोई घन नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या कंसेप्ट आना चाहिए आपको, कंसेप्ट आ रहा है तो आप बना पाएंगे। ये काफी का टॉपिक है ये समझ लो, और उसके बावजूद भी इसको अगर बड़े आराम से समझ पा रहे हो तो आप काफी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बेटा वो स्थिति, 5 सेंटीमीटर का घन है हमारा। अब देखो आपको खुद क्लियर होने लगा होगा कल वालों को, 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब उसको 5 भागों में काटा, इसका मतलब देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग हो गए, सारे भाग 1 सेंटीमीटर के होंगे। यानी बड़े घन की भुजा क्या है, बड़े घन की भुजा कितनी है, बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा कितनी है, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं प्राप्त छोटे घनों की संख्या अगर आपको निकालनी है, यानी स्मॉल एन, पहले बता दें आपको स्मॉल एन निकालना, तो क्या करेंगे, बड़े घन की भुजा अपॉन क्या होता है अपना फार्मूला, छोटे घन की भुजा। अरे यही तो कल पढ़ाया था, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, बताया था नहीं बताया थे। तो बेटा बड़े घन की भुजा कितनी है, देखो 5
छोटेगा कि एक ओवरऑल देखा जाए तो एक्स का मान तो 5 किया जाएगा। भाई ये बात तो आपको वैसे ही प्रैक्टिकली पता होना चाहिए था, ऐसे तो आपने आ जाता है इनका मान क्या होगा, क्योंकि कल हमने बताया इसको अच्छे से। अब एन का मान आपको मिल गया, आपको यहाँ कह रहा है कि कुल कितने घर बनेंगे, यानी छोटे वाले कुल कितने घर बनेंगे। पनीर के पनीर को जब बड़े पनीर को काटेंगे हम, तो वो काट काट के जो छोटे छोटे पनीर के टुकड़े आएंगे वो कितने आएंगे, कल बताया ना प्रैक्टिकली। तो बेटा छोटे घरों की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है, एन क्यूब के लिए बताए थे कल, छोटे घरों की संख्या के लिए यही फार्मूला बताए थे, कैपिटल एन बराबर एन क्यूब। तो बेटा एन कितना है, 5 का क्यूब कर दोगे आंसर कितना, 125। ये बताए थे कल हम आपको, तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर कुल कितने घर बनेंगे, 125। ठीक है, पॉइंट नोट करते चले। दूसरा क्वेश्चन यही आ रहा है, इसको रहा भी गया है, ध्यान रखना। ठीक है, और किस तरह से रहा गया, सम्मुख सतहों को लाल पीले हरे रंग से रंगा गया है, यानी सभी पड़ोसी पड़ोसी सतहों को रंग दिया गया है, इनको रंग लू पीछे वाले इन दोनों रंग लू, कभी ये सम्मुख नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसा सभी सतह पड़ोसी कभी रहे। चलो क्वेश्चन देखता हूँ, क्या कलर वाला पूछ ही रहा है इसने, ऐसे खाली घुमाने के लिए कलर दे दिया। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन इसका लिख लीजिए आप, दूसरा क्वेश्चन होगा ऐसे, कितने छोटे घर हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है, ऐसे कितने छोटे घर हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। ये लोग देखो क्वेश्चन को कलर जरूर किया है, पर पूछा कौन सा क्वेश्चन, इस पे कोई रंग ही ना जाए, यानी पनीर का अंदर वाला भाग पूछा जा रहा है। ऐसे कितने घर हैं, ऐसे कितने घर हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। बेटा ये कहां पर होंगे, ये वाले पनीर के टुकड़े कहां निकलेंगे, अंदर। क्या उसके लिए कोई फार्मूला दिया था, रंगहीन घरों के लिए कोई फार्मूला दिया था, बताओ क्या फार्मूला दिया था, बस n माइनस टू की पावर यही तो दिया था। मैंने कहा था ना तो ये सतह को फॉलो कर रहा है ना कोने को ना किनारे को, तो सीधे आपका आंसर क्या होगा, n माइनस टू की पावर 3। ये बताया था 3 गुना पावर देने को इसको, इसका फार्मूला बताए थे हम n माइनस टू की पावर 3। तो जब बेटा इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो n का मान कितना है, 5, 5 में से 2 घटा लोगे 3 बचेगा, और 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 47। क्या आप लोगों ने ये कल नहीं पढ़ा था, अब केवल समस्या उनको आ रही होगी जो लोग क्या आए कल नहीं आए, ठीक है ना। अब तो नोट करो, बात करते हैं फार्मूलों की, तो जो बच्चे नहीं आए थे वो देख रहे बात फार्मूले कहाँ से लिखवाए गए थे। बेटा मैंने बताया था 3 सतह रंगीन घन के लिए, 3 सतह रंगीन घन उसके लिए क्या फार्मूला लिखवाया था, 3 सतह रंगीन घन की जब भी बात करेगा तो डायरेक्ट आंसर कितना होता है, 8। ये फिक्स कर दिया था हमने, आंसर 8 होगा, ये फिक्स था। अब बेटा आपसे पूछे 2 सतह रंगीन घन, 2 सतह रंगीन घन जिनका ये फार्मूला क्या लिखाया था, 2 सतह यानी 2 सतह कहाँ पर मिलेंगी, किनारों पर मिलेंगी, किनारों की संख्या होती है 12 एन माइनस 2। ये मामला कोने का है, ये किनारे पर मिलते हैं, और जब पूछेगा एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन तो क्या स्थिति होगी, एन माइनस 2 की पावर 2। ये सतह को करने वाली घन का डिफन है, समझ में आ रही है बात, अब जिसने पढ़ा है उसको खूब आ रही है, और रंगहीन घन की बात कर रही है, रंगहीन घन वो कहते हैं तो बाद में तुम कितने पढ़ना कुछ नहीं समझ में आया, रंगहीन घनों की संख्या। तो बेटा ध्यान देंगे इसके लिए हमने एन माइनस टू की पावर 3 लिख दिया था। आप सोचो अगर ये डायग्राम नहीं बनाते तो क्वेश्चन नहीं हो पाता, क्वेश्चन सही हो जाता क्योंकि हमने कब 3
टॉपिक को इतनी आसानी से पढ़ रहा है तो समझो आपको खुद समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखें जरा, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है वह भी लाल रंग, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है वह भी लाल रंग, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है, एक सतह रंगी हुई है वह भी लाल रंग, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है वह भी लाल रंग। हाँ, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई वह भी केवल लाल से लाल रंग से बोले वह भी ये लो। इसका भी अपना यूज है, बताया तो नहीं बताया बताओ। अब आप पहले ये विचार लगाओ कि आपको ये नहीं पता कि कौन सी सतह पर कौन सा रंग लगा हुआ है, यहाँ लाल है यहाँ काला है यहाँ पीला है, मतलब पता नहीं है हमें कहाँ पर पीला कहाँ हरा कहाँ लाल है, लेकिन उससे ऊपर क्या बोला है ये 5 सेंटीमीटर के घन इस प्रमुख सतह पर लाल लाल पीले तथा हरे रंग से रंगा जाता है, मतलब 3 कलर दिए रखे हैं, ध्यान देंगे 3 तरह के कलर दिए रखे हैं, तो उसने सन्मुख का मतलब पड़ोसी पड़ोसी सतह दर्शाई है। मान लो अगर एक कलर तो ऐसा होगा तो कुछ जाएगा, अगर दो दो पड़ोसी हो जाएंगे है नहीं, तो हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा पड़ोस ले जाएगा, लेकिन उसने केवल इतनी सी बात की केवल एक लाल रंग मेरे भगवान मिलना चाहिए, तो मेरे भाई आप बताओ लाल रंग दो ही सतह पर तो होगा, या तो ऊपर रख लो या नीचे रख लो, या लाल यहाँ रख लो या यहाँ, और केवल एक ही सतह पर लाल रंग कितने होता है नीचे में होता है होता नहीं होता है, तो कितने सतहों पर ऐसा बार में होता होगा, दो सतहों पर तो होता होगा, ये सतह वाले फार्मूले में कितना लग रहा है 6 पर हमें 6 सतहों पर नहीं होता लाल रंग, कितनी 2 सतहों पर होगा, चाहे आप इस पर लिखो इन पर लाल लाल लिखो ये लाल है और ये भी लाल है, तो केवल लाल रंग होगा बीच वाले घर में होगा, क्योंकि अगर यहाँ पीला हुआ तो बताओ इस कोने पर यहाँ पीला होगा नहीं होगा, और होगा नहीं होगा, तो इसको जब निकालोगे कोने वाले को तो इस पर लाल और पीला तीनों आ जाएंगे, पर उसको चाहिए केवल लाल रंग, अगर आपने ये वाला पड़ी का टुकड़ा बाहर निकाला तो सेट ये कोना वाला यहाँ पीला होगा यहाँ लाल होगा, तो इस पर 2 कलर नहीं आ जाएंगे, और उसको बोलना चाहिए केवल लाल रंग, तो इसका मतलब ये कहना हो तो बीच में हो सकता है, तो इसमें भी बीच में हो सकता है, कितने सतहों पर क्या काम हो रहा है 2 सतहों पर, तो जहाँ फार्मूले में 6 है ना वहाँ केवल 2 करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 2n-2 की पावर, यही कल बता रहे थे आज भी देखो वही बात बताइए, कितनी सतहों पर केवल लाल रंग लगा है 2 पर, तो जहाँ 6 है वहाँ कितना कर लें 2, तो ये बेटा जब 2 करोगे आप तो n का मान कितना है 5, और 5 में से 2 घटा दो 3 बचेगा, 2 × 3 का स्क्वायर 9 और 3 का मान कितना जाएगा, कोई दिक्कत बताओ, कोने वालों पर अगर होगा भी मान लो इस कोने की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ किनारों पर, पर इन पर 2 सतहों पर लाल रंग होगा, आप जब इस वाली किनारे को निकालोगे ऐसे करके उसने कहा ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है वह भी केवल लाल रंग से, तुम सोच के देखो अगर ये कोना काट के निकाला जाए मेरा प्रोटेक्टिव सब दूसरा से, जैसे ये कोना बाहर निकाले अपने तो इस पर भी लाल रंग लगा होगा, इस पर भी लाल रंग लगा होगा, ये पूरा निकल के आता तो 2 पर नहीं हो जाता लाल रंग, और उसको तो केवल एक सतह पर लाल रंग चाहिए, तो केवल एक सतह वाली जब भी बात फॉलो करें तो हमेशा मिडिल में होता है, ये क्या है पहली सिर्फ लाल रंग और पहली सिर्फ लाल रंग से इधर देखो जरा इधर देखो अरे इधर देखो ना पहली सिर्फ लाल रंग से और इधर क्या लिखा है एक सतह वह भी सिर्फ लाल रंग से उसकी कितनी सतह है एक सतह पर कोने वाले को जब आप निकालोगे मान लो इसको काट के निकालोगे आप देखो ये ऐसे करके काट के निकाला ये टुकड़ा चलो ध्यान दे
ये टुकड़ा यहाँ पे निकाला तो लाल तो यहाँ भी होगा, लाल इधर से भी होगा, तो केवल एक सतह पर कहाँ होगा? उस पर तो पनीर का दो तरफ होगा ना, अंदर से पूरी सफेद होगा पनीर पूरी तरह से। और उसने कहा एक सतह रंगी हुई हो और बैठी किससे? सिर्फ लाल रंग से। तो एक सतह तो बीच में ही हो सकती है, आप बीच वाला टुकड़ा बाहर निकाल दो, उस पर केवल यहाँ लाल रंग होगा और अंदर से पूरा क्या निकलेगा? सफेद निकलेगा या निकलेगा? अब भी समझ नहीं आया? सिर्फ वर्ड इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ एक सतह के लिए। हाँ तो हम भी तो लाल के लिए ही बता रहे हैं। हद कर दी। तुम्हें वो कह रहा है ऐसे कितने घर हैं जिसमें एक सतह रंगी हुई है? कितनी सतह है? एक रंगी हुई है, वो भी सिर्फ किससे? तो बताओ कहाँ मिल सकता है एक सतह? वो भी हाँ होने वाले पर तो लाल होगा, इस पर लाल होगा, लेकिन दो सतह पर होगा, इधर से भी होगा इधर से भी होगा। क्या जी? ये बट अभी जानबूझ के डाला है, ये वाला सिर्फ इसी के तो डाला है, सिर्फ पर ध्यान दो। लड़के एक लड़के ने कह भी दिया कि सिर्फ है, अगर सिर्फ नहीं होता तो तुम्हारी इस बात को ही मैं डायरेक्ट कर देता। जैसे कितने घर हैं जिसकी एक सतह पर लाल रंग है, एक सतह पर तो ऊपर भी मिल जाता दोनों तरफ वाली ऊपर, कोने वाले पर भी पैरेट हो जाता, फिर ये सोना भी एक बात पैरेट हो जाता। समझे नहीं समझे बात को? ये सिर्फ जब डाला गया है तो जानबूझ के डाला गया है कि भैया केवल आपको दो सतह पर ही चेंज करना है ये वाला, सही है? थोड़ा सा ध्यान देने वाले टॉपिक से जुड़े थोड़े से पॉइंट से आप पढ़ रहे हो, वहाँ अगर सिर्फ वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा तो आप तीनों को डायरेक्ट कर सकते हो। फिर लोगों के तीन कौन कौन से कोने रहते हैं और हम चेंज सकते हैं, सही है? मजबूत क्वेश्चन है इसका। ये अगले क्वेश्चन पर चलूँ क्या? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलो एक सिंपल क्वेश्चन एनटीपीसी में आया है उस पर बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ पढ़ नहीं देता ना, तो क्वेश्चन तुम्हारी बात में मैनेज करता, सबको मैनेज कराना पड़ता है। अगला क्वेश्चन बोलता हूँ, इसको क्वेश्चन ध्यान देना। कल तीन कलर वाला क्वेश्चन बोला था क्या मैंने? तीन कलर वाला भी नहीं बोला, नहीं बोला था। तीनों तरफ कलर करा रहा हूँ, लिखो मेरा क्वेश्चन, लिखो तीनों तरफ कलर करा रहा हूँ। एक ठोस घन की सभी सतहों को इस तरह रंगा जाता है कि कोई भी रंग एक दूसरे कोई भी दो रंग दो समान रंग एक दूसरे के साथ ना आए, कोई भी दो समान रंग एक दूसरे के साथ ना आए अर्थात सभी रंग एक दूसरे के अर्थात समान रंग, अर्थात समान रंग एक दूसरे के विपरीत सतहों पर हों जो निम्नवत है, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा। उसने ये समझाने की कोशिश की कि कोई भी रंग ना एक दूसरे के पड़ोसी नहीं, सब एक दूसरे के विपरीत है, तो कम से कम वाला मैंने क्वेश्चन किया था, वो ये समझाना चाह रहा है उसने, जो निम्नवत है लाल पीला हरा, फिर इस घन को
काटकर 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। अब पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। कोई भी रन आपका ना पास नहीं करना चाहिए, सेम कलर का सेम रन पास में रहते थे। यहाँ पर अभी लाल लाल लिख दिया, मैंने पास में नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पीला लिखा है मैंने ऊपर, तो पीले का विपरीत कहाँ पर होगा, ऊपर वाले का नीचे से तो उतनी होगी, तो उसका विपरीत नीचे आना चाहिए पीला। ये बताना कर रहा है पीला का, ये आ गया पीला। अब बेटा इस पर आपने लाल कलर लिख दिया सपोज दैट, तो इसका विपरीत उधर से होगा नहीं होगा, तो उधर से होगा तो दिखाई दे रहा है आपको, पता है वो नहीं दिखाई दे, इसका मतलब लाल कलर उधर होगा। अगर इधर हम हरा कलर लिख दें तो बताओ हरा कलर उधर से होगा नहीं होगा, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ये हरा। तो ये कहना चाह रहा है कि सभी कलर जो एक दूसरे के विपरीत रहे, पास में कोई ना रहे, और ये तीन कलर हो गए इसमें, ठीक है ना। अब उसके बाद की कहानी जो है आगे के क्वेश्चनों में आप बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह रंगी हुई है, वह भी काले लाल रंग, वह भी लाल रंग की। ये सोच सोच क्या कर लेना। अब मान लो लाल कलर यहाँ है, लाल कलर पीछे होगा, ठीक है। अब आपको दो सतह वाला केस चाहिए, दो सतह कहाँ पर होती है, दो सतह कहाँ पर केस होता है, अरे किनारों पर, किनारों पर। क्या अगर लाल वाली इसकी किनार देखी जाए तो इस पर कौन कौन सा कलर मिलेगा, इस किनार का पर किनार आ जाएगा, यहाँ लाल और यहाँ पर पीला। और उसने क्या बोला है, दो सतह लगी हुई है पहले किससे, लाल रंग से। क्या यहाँ पर मिलेगा ऐसा, यहाँ पर भी तो हरा होगा, लाल तो होगा पर हरा यहाँ पर होगा। यहाँ देखो यहाँ लाल होगा पर नीचे से कौन सा है, पीला, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। और जब इस पर नहीं हो रहा तो ठीक पीछे वाली पर भी नहीं होता होगा। तो क्या तुम्हें कोई दो सतह ऐसी मिलेगी इस पर लाल रंग होगा, नहीं होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अगला क्वेश्चन देखें, ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतहों पर लाल रंग है। अब आप एक छोटे से बच्चे हो और आपसे ये कह दिया जाए बेटा मैं पनीर के टुकड़े में से वो वाले पनीर निकाल दो जिनमें लाल रंग मिल जाए, सतह बाकी और कोई रहा है तो घर नहीं पड़ता, बस लाल लाल वाले आप निकाल लो। तो वो बच्चा जो देखेगा वो तो देखेगा पीला है कोई दिक्कत नहीं तो लाल होना चाहिए, काला है कोई दिक्कत नहीं तो लाल होना चाहिए, यही देखने का प्रयास करेगा। अब आप भी वही प्रयास करो कि ऐसे कितने घर में किस पर लाल रंग, अगर दूसरे रंग नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता इस बात पर, आप लाल रंग पर ध्यान देंगे लाल रंग कितने घरों पर होंगे। चेक करने का तरीका क्या होता है इनको बताओगे, सबसे क्या होता है चेक करने का तरीका, सबसे पहले क्या देखोगे, क्या देखोगे सबसे पहले, कोने। सबसे पहले आप चेक करेंगे कोने कि कितने कोनों पर ऐसी स्थिति है जहां पर लाल रंग मिलना है, तो मैंने देखना है कोने पहले। सपोज दैट ध्यान देंगे आप मेरी बात पर, ये कोने पर आ जाओ आप, इस कोने पर ये कोना वाला घर है, ये टुकड़ा बाहर निकल जाएगा उसका कट के, तो क्या यहाँ लाल रंग नहीं है, बाकी और रंग है कोई फर्क नहीं पड़ता, लाल रंग तो है ना, क्या लाल रंग यहाँ नहीं मिलेगा इस कोने पर, इस कोने पर नहीं मिलेगा लाल रंग, इस कोने पर नहीं मिलेगा लाल रंग, इस पर तो सभी कोनों पर लाल रंग है। और ऐसी हुआ हुआ सभी पीछे से है तो कोने पर तो सभी पर लाल रंग मिलेगा, देखो दिमाग लगाओ तुम्हें अगर लगा पा रहा है तो। मान लो ये स्थिति में ये रखा है, अगर इस कोने पर भी लाल है, इस पर भी लाल है, इस पर भी लाल है, इस पर तो पीछे से भी, तो इस पर लाल है देखो, इधर भी लाल है, नीचे भी लाल है, यानी आठ के आठों कोनों पर आपको लाल रंग मिल जाएगा, समझे नहीं समझे, हाँ आठ के आठों कोनों पर सभी लाल है,
सलिरम है। अब आप देखें जरा, तो ये कोने तो हमने फॉलो किया, मुझे 56 रंग मिल गया मुझे, और कोई रंग मिल रहा है फर्क ही पड़ता है इस बात का। अब आप देखें जरा, गौर करें, किनारे चेक करो, किनारे कितनी किनारों पर लाल रंग मिल सकता है आपको, लड़के ध्यान दे बता जरा, कितनी किनारों पर लाल रंग हो सकता है? चार किनारों पर ही होगा केवल, हमें तो पता है चारों किनारों पर लाल रंग, और पीछे से भी चारों किनारों पर लाल रंग, ना लग पा रही कुछ करे नहीं लग पा रही कुछ भाई, पीछे किया चार किनारे हैं, इन पर देखो इस पर ही कोई लाल रंग, इसमें लाल रंग तो मिल जाएगा, नीला होगा अलग बात है, पर लाल दिखना चाहिए, यानी मुझे लग रहा है इन चारों पर लाल रंग है, और पीछे से भी चारों पर लाल रंग होगा, कितने किनारों पर यह वर्णन हो रहा है? आठ पर। क्या इस पर लाल रंग मिलेगा तुम्हें? नहीं, तो फिर चार किनारों पर होगा नहीं कारनामा, तो फार्मूले में क्या आ जाएगा, जहाँ 12 है वहाँ पर क्या हो जाएगा? आठ और एन माइनस। अब एन का मान कैसे निकालोगे ये नहीं पूछा किसी ने भाई, ये 216 दे रखे हैं, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता नहीं होता है, तो आप चाहो तो सीधे यहाँ पर एन बराबर ऐसे लिख सकते हो, एन बराबर एन क्यूब, यहाँ लिख लो 216, यहाँ लिख लो एन क्यूब, ये 6 का क्यूब होता है, एन क्यूब, क्यूब से क्यूब उड़ा दो, एन का मान कितना? 6। तो जहाँ एन है वहाँ कितना लिखते हैं? 6 लिख दे रहे हैं, तो 8 गुणा आगे सॉल्व कर देना, 8 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 8 8 तो कुछ होते हैं बस। अभी क्या क्या देखा आपने? अभी जरा चेक किए कोने, अभी चेक किए किनारे, सही है। एक और बचा क्या चीज? सतह बची है भाई, सतह तो बची है। अब सतह जब देखते हैं तो बीच में देखते हैं, बीच में तो बीच में एक सतह पर इधर लाल रंग है, एक सतह पर पीछे से लाल रंग होगा, इतना ही तो होगा, लगा दे माप, माप लगाओ, अरे यहाँ लाल होगा और पीछे से एक सतह पर लाल रंग होगा, तो यहाँ पर कितनी सतह पर यह कारण हो रहा है? 2 पर। तो फार्मूले में आ जाएगा 2n-2, जहाँ 6 था वहाँ कितना हो गया? 2, और बस इसको आज करते रहिएगा, ये लो देखो 2 गुणा एन का मान कितना? 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना? सही है। और 16 दूनी कितने होते हैं? 32। अभी इसको सबको जोड़ लो, 32 64, और 64 में 8 जोड़ दो, कितने जाएंगे? 72, एकदम सटीक आंसर होगा इसका, ये लो नोट करो, 72 एकदम सटीक आंसर होगा। हम आपको बता रहे हैं ये वो टॉपिक है ना, इसका जब अभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो समझ लो 95% को पेपर में छोड़ दिए थे क्वेश्चन देख के, ठीक है ना, लड़े वो थे जो जानते थे इस टॉपिक से परिचित थे। अगर आपको लग रहा है ये टॉपिक आसान है तो आप पढ़ रहे हो तो आपको पता लग ही जाएगा कितना आसान है, जो कल से आ रहा है उनको आसान लग रहा होगा, ठीक है, देरी नहीं आओगे तो आसान चीज भी कठिन दिखेगी। अब जरा उस क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे थोड़ी देर में, कंसेप्ट चेंज कर रहा है तब को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, चलो इस कंसेप्ट को हम चेंज कर देंगे, फिर देखकर खत्म हो जाएगा, हटाओ इसको। अब जिन लोगों को समझ नहीं आया केवल वही लोग कह सकते हैं कि जो रेगुलर नहीं होते और टीचर की क्वालिटी और पढ़ाई की बात है उसको ही समझ नहीं आती, तो रेगुलर नहीं होता, ये ध्यान रखना, अदरवाइज आप रेगुलर पढ़ो तो मतलब सब कुछ आएगा। कंसेप्ट चेंज कर देंगे आप समझ में आने लगेगा। देखो क्वेश्चन देखो, देखो एक 12 सेंटीमीटर के कोस घन से, एक 12 सेंटीमीटर के कोस घन से क्वेश्चन आ गया, एक 12 सेंटीमीटर के कोस घन से, एक 12 सेंटीमीटर के कोस घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे प्राप्त करने के लिए,
तीन सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए किसे कुल कितनी बार काटना होगा, कंसेप्ट चेंज है थोड़ा सा, ये बताओ
का दूसरा दूसरा क्वेश्चन कॉपी राइट पे नहीं कर रहा हूँ उनका, चलो एक कॉपी राइट बोल दे रहा हूँ ताकि आप अच्छा समझ सकते। देखो चार सेंटीमीटर के ठोस घन के, चार सेंटीमीटर के, चार सेंटीमीटर के एक ठोस घन से, एक ठोस घन से एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए, एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए, घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा, इसे कुल कितनी बार काटना होगा, नौ बार। दूसरी बार पढ़ाता है तो उसको दूसरी बार जब उन्होंने क्लास की तो उन्हें पढ़ाता है टॉपिक को सकता है इंसान इतनी आसानी से आते हैं ना टॉपिक में तुम देखो तो फेवरेट कैसे बन सकता है, मैं कैसे फेवरेट बन जाऊंगा बताओ, इसको पढ़ा रहा हूँ जिसको आधी घंटा नहीं जानते हो कि क्या हो क्या रहा है, फिर कहीं बता रहा मुझे खुद पता है इस चीज़ के बारे में, अच्छाई है नहीं है इसमें, फिर क्या पाओगे तुम मेरे लिए, यही तो पाओगे ना मजा ना आया है नहीं, तो मजा हर चीज़ में थोड़ी आ जाता है आप भी जानते हो, पर ये वो चीज़ है ना जो हर कोई छूटता भी नहीं है इतनी आसानी से, ठीक है। लाइक एंड कैलेंडर भी सेम पैटर्न है, घड़ी का भी सेम पैटर्न है, पढ़ना पढ़ाने दोनों वाले ना सोच समझ के पढ़ाते हैं इन लोगों को, मेरे भाई बहुत टफ होते हैं बच्चों के अंदरों में, ठीक है ना, तो जो बच्चों के अंदरों में होते हैं वो टीचरों के अंदरों में तो होते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि जो चीज़ हमको टफ लगे वो हमें ना लगती होगी, टफ तो टफ है, अब तुम सोचो ऐसे टफ थोड़ी हो जाती है ये, हाँ लेकिन फिर भी मैं काम भी आसान तरीके से बताता हूँ इसको, कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं सबको समझा पाऊँ। चार सेंटीमीटर के ठोस घन से एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा, अब एक बार पढ़ते पढ़े आगे बढ़ नहीं बन जाओगे तुम, आपको दोबारा जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या चल रहा था। आप बताओ बड़े घन की भुजा कितनी है, बड़े घन की भुजा कितनी है, चार सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितनी है, जल्दी बताओ, एक सेंटीमीटर। क्या एन का मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से, निकालते नहीं निकालेंगे, एन का मान कितना आ जाएगा, और हमने कटाई के लिए फार्मूला दिया था अभी आपको, क्या दिया था, एन माइनस वन की इंटू नहीं दिया था, ये एन कितना है, चार, चार में देख जाएगा तीन दिया, समझ गया आपको, अब देखो तो समझने वाली बात तो बड़े आराम से समझ आओगे, है ना, तो जहाँ मुश्किल चीजें आती हैं वहाँ परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, तो इससे अगला वाला कंसेप्ट जो है वो भी समझ में आ जाएगा वहाँ, वो थोड़ा सा क्रिटिकल भी पार्ट है, ठीक है, मैट एग्जाम में आएगा क्वेश्चन भी है। देखो जरा देखो, एक बड़ाई को एक ठोस घन एक कक्ष पर दिया जाता है, एक बड़ाई को एक ठोस घन इस कक्ष पर दिया जाता है कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे, कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे, भाई एक बड़ाई को एक कक्ष का घन दिया जाता है, भाई एक बड़ा घन दे रहा है तुम्हें और इसको छोटे छोटे घनों में काटना है तुम्हें, अब भाई को घन काटेगा, काटेगा छोटे छोटे काट के बराबर,
कोई भी चीज अगर काट करके तो दिक्कत ना आ जाएगी, बताओ लंबाई चौड़ाई बढ़ गई तो नामा बन जाएगा। आप बहुत कुछ समझ चलेगा, देख लो एक और कर दिया ही परिवर्तित करते तथा इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा एक ही ना बचे। हाथ ना तो बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक देते बचने नहीं दिए, कुछ लकड़ी का यूज करना है ठीक है। लेकिन कहता था इस क्रम में तथा इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष ना बचे, फालतू टुकड़ा कोई भी ना निकले, उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 5 रुपए दिए जाते हैं, उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 5 रुपए दिए जाते हैं, 5 रुपए दिए जाते हैं और इस प्रकार वह कुल 75 रुपए मजदूरी उसमें प्राप्त करता है। और इस प्रकार वह कुल 75 रुपए मजदूरी के रूप में बताइए कि उसने कितने छोटे घन बनाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए कि उसने कितने छोटे घन बनाए। 15। चलो ये बच्चे का आपको सही आ रहा लगा था ठीक है, जो ध्यान दे रहा है वो समझ पा रहा है। और प्रत्येक कटाई पर 5 रुपए दे रहे हैं। दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ।
बताओ यहाँ पर जो 15 आया है तो क्या आया है? कटाई की संख्या तो आई है, उसने जितने कटाई की है जितनी उतने की तो पता होना है कितनी कटे, 15 कटाई कर दी उसने, लाइक 15 पेड़ काट दिए। समझे नहीं समझे बात को? अब क्या हमने कटाई पूछी है यहाँ पर? हमने तो छोटे घनों की संख्या पूछी है, और आप जानते हैं कटाई की संख्या अगर 15 आ गई आपकी तो कैसे करके आप छोटे घनों की संख्या बताओगे? तो क्या इसके लिए बाद में जानते कटाई की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? अरे अभी तो बताया था n-1 n-2 n-3 नहीं बताया था इसका फार्मूला? अरे जल्दी करो, क्या इसका फार्मूला हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा था? और अगर कटाई की संख्या n-1 n-2 n-3 है तो वो है कितनी? 15। अरे 15 ही तो है, तो देखो 3 × 15 तो n का मान निकालोगे ना भाई, ये माइनस का बंद कर जाके प्लस का नहीं हो जाएगा? तो देखो 5 + 1 नहीं हो जाएगा, तो n का मान कितना आ गया? 6। आप बताओ छोटे घनों की संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है? होता नहीं होता n³ छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या n³। बेटा n का मान निकला ना निकला यहाँ पे देखो, निकला ना 6। अब 6 का क्यूब भी करना था आपको, बस 6 का क्यूब कितना आता है? पूरा घन के देखिए ये, अगर तुम मैथ से भी कंपेयर करोगे ना टॉपिक की तो भी दबा गए ना, कम और जोर मत समझो इसको, ठीक है? इस सिंपल क्वेश्चन में आप बता देते हो वहाँ पर, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन में भी अपने आप में मजबूती दिख रही है मुझे लग रहा है बच्चों। पहले कटाई हमने निकाली, कटाई की संख्या, फिर वहाँ से हमें n का मान मिल गया, n के मान से हमने छोटे घरों की संख्या निकाली, n³। अब जाके आंसर आया सही है, जैसा सी जारी कर रहा है नहीं, n+2 सीरियल, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने जाने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने जाने पड़ेंगे, ठीक है ना? जो सामान्य बैच में आपको नहीं मिल पाएंगे। हाँ n = 5 कैसे आया? अच्छा इधर देखो जरा, कटाई की संख्या का फार्मूला होता है n-1 n-2 n-3 अभी तो पढ़ाए थे, और कटाई आई कितनी है? 15। क्या इस 3 से मैं 15 को काट सकता हूँ? 3 × 15 अरे काट सकता हूँ, काट सकता हूँ। अब इधर क्या है देखो, n-1 n-1 = 5 होता उधर, लेकिन जो माइनस का बना है उधर पहुँचा दिया डायरेक्ट। एक स्टेप शॉर्ट मारी देखो, इसको शॉर्ट का क्या लग रहा है? ये देखो एक स्टेप शॉर्ट मार दिया बेटा यहाँ पर, अगर मैं लिख देता n-1 और बराबर लिख देता 5 ऐसे करके, तब तुम्हें समझ में आ जाता अब माइनस का बना जाके इसका हो गया लगता। अब n का मान कितना आ गया? यहाँ पे n क्यूब निकाल दो, कितना आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, एक बच्चे का आंसर उसी क्लास में था, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, बट जो समझने की पूरी कोशिश कर रहा है उसको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। अब होता क्या था, पिछली बार जब लोग एग्जाम देने गए थे ना यूपीएससी का, तो उन्होंने बोला ये टॉपिक कहाँ जाएगा, पढ़ के नहीं गए, उसने बैंक क्यों का क्वेश्चन लगता था, वो जो आया था बैंक क्यों का आया, ठीक है ना? हाँ तो भाई कुछ भी हो सकता है, कलयुग है ठीक है ना, कलयुग का भैया कुछ भी हो सकता है, काला गोरा हो सकता है, गोरा काला हो सकता है नहीं, तो यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखो, कुछ भी हो सकता है। अगले चले, अरे अगले क्वेश्चन की बात चले, रतन करा दो उस क्वेश्चन में तुम्हें जल्दी ही, ठीक है? देखो जरा, कोई बच्चे कल कह रहे थे घनाब से सर कैसे करके घन प्राप्त करते हैं हम, ये भी तो कल बात आई थी, चलो उस क्वेश्चन की बात करना है, घनाब से घन को प्राप्त करना है। लोग
डायग्राम बनाते हैं उसमें केवल थोड़ा भाग देख के ही हो जाता है क्वेश्चन। ऐसे ही पेन भी नहीं चलाता हूँ और ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा कि हाँ इसमें याद करो। आप लड़के भी बता दो जो पढ़ते हैं वो भी बता देते हैं, वो आते हैं इसमें ए बड़ा बी का अर्थ है ए का पिता जी बड़ा लड़के से हो जाता है, ऐसे हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है देखिए अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें मजा आता है, जैसे आपने कैलेंडर पढ़ा था लोगों को क्रिटिकल लगा होगा लेकिन क्रिटिकल कम नहीं था वो, इतना इजी टॉपिक है कैलेंडर एकदम मस्त करंट की बात समझ में आई। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सही बात मालूम का इस टॉपिक में डाइट का टाइम बहुत ही टॉपिक है डाइट का क्वेश्चन डाइट पढ़ोगा तो क्या होगा वो बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहा है यार डाइट को तो सही ना उसमें है ना तब ना तुम्हें लगेगा कि जो पढ़ा रहा है बहुत सही है। अब ऐसी जगह पर आए हैं हम तो कहाँ तुम्हें सही दिखाई देंगे, थोड़ा मुश्किल पार्ट है कि निभा रहा है किसको कथन निष्कर्ष प्रभाव है तुम हमसे क्या प्रभाव है कथन निष्कर्ष हम तुम्हें पढ़ाएंगे किसी आयताकार ग्राफ जिसका आयाम 3×2×1 cm है 3×2×1 cm है। अब आपको उस क्वेश्चन की परछाई दिखना शुरू हो जाएगी 3×2×1 cm है को यदि 1 cm के को यदि 1 cm के आयाम वाले छोटे छोटे कणों में परिवर्तित किया जाए के आयाम वाले छोटे 1 cm के आयाम वाले छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे बताओ साहब इसको करो किसी आयताकार ग्राफ जिसका आयाम 3×2 cm है
यदि एक सेंटीमीटर के आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कितने घन प्राप्त होंगे। आयाम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है ना। आयाम का मतलब वॉल्यूम तो होता है, जैसे एक किलो चीनी लेके आए और उस एक किलो चीनी को क्या हमने 200 ग्राम में डिवाइड कर दिया, 200 ग्राम में डिवाइड कर दिया, और उनके हो जाएगा क्या 500 में डिवाइड कर देंगे 200 ग्राम, 250 ग्राम कर देंगे, चार जगह बढ़ जाएगी पर वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। उनने भी यही कहा, ये जो घनाभ है आयताकार ब्लॉक यही तो होगा, लाइक घना टाइप। अब इसमें क्या है, छोटे छोटे पीस में बना के उसको क्या एक ही सेंटीमीटर के घन के रूप में लेते हो तो कुछ नहीं करना होता है बेटा। जहां देखो आयताकार ब्लॉक देते उसका आयाम लेते और उसको घनों में डिवाइड करना हो, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर आयताकार ब्लॉक का आयाम कितना है, 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर, और घन घनाकार ब्लॉक का आयाम कितना होगा बताया तुमने, बताओ 1 सेंटीमीटर घन का 1 सेंटीमीटर भुजा है उसका आयाम क्या होगा, 1 × 1 × 1, ठीक है ना, कोई भुजा क्यूब वाला नहीं है, 1 × 1 × 1 लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसमें भी तो है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। ये देखो घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हो, आयतन निकालते हो, आयतन तो जो आयतन निकालते हो वही तो है ये वॉल्यूम, ठीक है। अब बेटा इससे काटा पीटी बचा दो, तो एक को कल तक गुणा कर रही हो कितना आएगा, एक ही तो आएगा है ना, और फिर क्या इस एक से कल तक भाग कर रही हो ऊपर की 3 × 6 = 6 वो 6 ही रहेगा, तो घनों की संख्या कितनी आ जा रही है। जल्दी से नोट कर ले, ठीक है ना, एकदम सिंपल का क्वेश्चन होता है। आयाम ये आयाम क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है, आयाम वॉल्यूम ही तो होता है, वॉल्यूम ही होगा, देख लेना आयतन वॉल्यूम भाषा बदल के दे सकता है, ठीक है, चीजें एक ही होती है। इसको उसने लिखा 3 × 2 × 1 में तो तुम समझ जाओ भाई लिखवा जा रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बढ़ा रहा है, तो घन की भी तो यही होती है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यहाँ सेम होती है वहाँ अलग अलग होती है, बताए थे ना बताया था कल, लंबाई तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई अलग होती नहीं होती है, घन की लंबाई चौड़ाई सेम होती है, तो 1 × 1 × 1 से हमने डिवाइड किया 6 आ गया, कोई दिक्कत परेशानी पीछे बात नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई जी, ठीक है। अब देखो अगर आयताकार ब्लॉक से आपसे घनाकार ब्लॉक को कटवाया जाए तो इस तरह से आप सीधे सीधे आंसर मार देंगे, और ये वाला क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आया है यूपी इसके फ्री में भी आया हुआ है, क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया है, ऐसा ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं, देखो थोड़ा करा दे रहे हैं इसका, ठीक है, लिख लो जरा, इसी में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो तारीख ही होगा, सलूशन तारो क्वेश्चन तो बहुत जगह लिख लेते हैं बोर्ड पे, ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखेंगे किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 × 6 × 8 सेंटीमीटर, 4 × 6 × 8 सेंटीमीटर, ठीक है, आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 × 6 × 8 सेंटीमीटर है को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो प्राप्त घनों की संख्या क्या होगी। ये लो बेटा सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, ठीक है ना, जोड़ा करा दिया ये लोगों ने, तार लो समझ में आ जाएगा, देखो ये वाला खूब समझ में आ रहे हैं क्योंकि इजी है ना थोड़े से, इसलिए समझ में आ रहे हैं। अब बताओ वो क्वेश्चन कराना है क्या जिसके बारे में चर्चा चल रही है, सर्च करने का ऐसे बड़े घन से घनाभ भी करवा सकता है, हाँ
वो फिर क्या है, वो उसका साइज ज्यादा देगा ना, ज्यादा देना पड़ेगा उसको घनाभ का साइज बड़े बंदा। घनाभ की तीनों साइड ले लो, घनाभ की तो तीनों साइड देगा, लेकिन घन की तो एक ही देगा वो, एक ही होगा। उसी से आप निकाल लोगे उसका आयाम और फिर उसके नीचे दोगुना कर दोगे आटा पीटी। बड़े घंटे डस्टर तो निकाले जा सकते हैं, वो डस्टर वाली ही बात है कि बड़े घंटे क्या काट काट के डस्टर छोटे छोटे बनाए जाना, ये क्या निकाल देना होगा, घनाभ निकाल देना होगा। घर निकाले तो आपने वो निकाल दिया, वो बच्चे ऐसे करके बनाते हैं क्यूब, वही कहते हैं क्यूब कहते वही घन है, फिर वो सेम बात है भाई। अगले बढ़े, ये नोट करो जल्दी से, नोट करो, हो गया ऐसे किसी का ये क्वेश्चन करा रहा था, लिखो जरा, देखो सभी ओर से रंगे हुए, सभी ओर से रंगे हुए, अरे इसको करा दें, अरे रुको करा दे रहे हैं, बात कहेगा कतई खराब ही है, सब हम पे ही छोड़ दिया है, ये घनाभ हो गया एक तरह से, और घन के लिए जब बात की जा रही तो उसका ऐसे करके निकालें कितना है बोलेंगे उसका वो सेंटीमीटर, ये और ये देखो दो गुणा दो गुणा दो, दो दुनी चार दुनी आठ से आठ उठ गया छह चौक, ठीक है यही आप नोट कर देते। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, इसको हटा दूं, हटा दूं क्या, क्या हुआ, हाँ क्वेश्चन लाओ, सभी ओर से रंगों के आगे, अच्छा मैं बोल रहा हूँ बहुत आगे पहुंच गए, सभी ओर रंगे हुए घन को समान माप के छोटे, समान माप के छोटे घनों में समान माप के छोटे घनों में विभाजित किया गया, छोटे घन की भुजा बड़े घन की भुजा से ठीक एक चौथाई है, आप फंसेंगे देखना इसमें बात में, एक चौथाई है, इसलिए एक ओर रंगे हुए छोटे घनों की संख्या है, ये बोल रहा हूं, इसलिए एक ओर रंगे हुए छोटे घनों की संख्या, तो आप लोग केवल फार्म जमा करने आते हो, क्लास क्लास का कुछ नहीं है, हमने तो मैंने रख नहीं दिया, उनको तो देखा है, उन तीनों को नहीं देखा मैं, क्लास में देखोगे तब तो ठीक है, फार्म में कंप्लीट है, 12 बजे से, हाँ 12 बजे से है ना क्लास, हाँ 12 बजे ठीक है। सभी ओर रंगे हुए घन को समान माप के छोटे घनों में विभाजित किया गया, छोटे घन की भुजा बड़े घन की भुजा से ठीक एक चौथाई है, इसलिए एक ओर से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या क्या होगी, बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ है, हमें भी नहीं पता 2017 में आया नहीं लिखे सोल्यूशन, तुम लोगों से चाहिए मुझे सोल्यूशन इसका, 24 ऑप्शन है साहब, इतना मान गया ऑप्शन है, सिंपल
और कोई साहबान समझ में नहीं आ रहा? बस छोटी सी बात है समझने को, बाकी सब तुम्हें पता ही है। बताओ एक बात बताओ मुझे, तुक्का बताओ इसका मार के तुक्का। तुम्हें लगता है कभी भी जो छोटे घनों की संख्या होगी, जब फार्मूला क्या होता है निकालने का उसका, n बराबर n क्यूब, तो जब आंसर क्यूब में दे रखा होगा, जब n का मान में क्यूब हो रहा है तो आंसर 24 हो सकता है क्या? जब छोटे घनों की संख्या पूछ रहा है तो क्यूब पक्का होगा, वो ऑप्शन जो होगा वो किसी ना किसी का क्यूब होगा, समझ रहे ना? यानी क्या बनता होगा, क्यूब बनता होगा, क्या वो किसी भी संख्या का बनता हो। अब तो कुछ भी नहीं था, सभी ओर से रखे हुए घन के वो समान माप के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, छोटे घन की भुजा बड़े घर की भुजा से ठीक एक चौथाई है। अगर एक चौथाई का मतलब आप बताएं क्या होता है, इसमें बताओ बड़े घन की भुजा कौन सी हो सकती है? अरे बड़ा तो जो होगा वो बड़ी संख्या की तरफ आएगा ना, तो ये बड़े घन की भुजा नहीं होगी, बताओ बड़े घन की भुजा बताओ बताओ। और ये कौन सी हो गई, छोटे घन की भुजा। अरे हुई नहीं हुई, फार्मूला जब उल्टा होता नहीं होता है, इनका मान निकालने के क्या करते हैं अपन लोग, बड़े घन की भुजा पॉइंट छोटे घन की भुजा। अरे ये वही तो करते, तो आप देखें क्या करें, एन निकालो तो बड़े घन की भुजा कितनी है, छोटे घन की कितनी है, तो आप कल तक काट रही हो इसको, एन का मान 4 आएगा नहीं आएगा? अब जब एन का मान 4 आ गया तो छोटे घन की भुजा आपको पता है कैसे निकलती है, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या क्या होती है, कैपिटल एन बराबर एन क्यूब होती, नहीं होती है, एन का मान कितना है बेटा 4, तो आंसर 4 का क्यूब नहीं हो जाएगा, बढ़ा दो ये उठा दिया कुछ इसमें, कुछ भी नहीं था, एक चौथाई लिख पा रहे थे बस, ठीक है एक चौथाई समझ जाते तो एनटीपीसी का पेपर लगाया जाता है। मैं आपकी आंसर जो होगा वो क्यूब में होगा, आप दिमाग भी तो लगाते हैं कि आंसर जो होगा वो क्यूब में ही होगा, एक जो ऑप्शन क्यूब में था इसमें, ठीक है उड़ा लेते, पर इतना दिमाग में भी आएगी तो ना बात हो क्या रहा है, समझ में आ गई है, कोई दिक्कत परेशानी? ये एंटी किसी ने पूछा था भाई साहब, पता समझते आंसर मारा जा सकता था इसको। चलो अब एक खतरनाक क्वेश्चन है जो सबके लिए, एसडी आदत की बुक तो सब लोगों ने देखी होगी, हाँ नहीं देखी है, मैथ की बुक एसडी आदत की, रामायण तो देखी होगी सब लोगों ने, रामायण तो देखी होगी, रामायण के लिए मैं बोल नहीं सकता, मैं एसडी आदत की बुक के लिए बोल रहा हूँ। मान लो एसडी आदत की बुक को सुनो, तो एक कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट करे ऊपर से काटने का प्रोग्राम बनाए, ठीक है ना, चाकू ले और ऊपर से काटे और नीचे तक काटे उसको, कते नीचे तक, सही है, तो आप बताओ पूरा ऐसे करके निकल जाएगी, निकल जाएगी ऊपर को बाहर में, और ऊपर भी मैं हरा रंग लगा दूं नीचे भी हरा रंग लगा दूं, ठीक है, तो बताओ जब उसको निकालूंगा तो ऊपर भी हरा रंग होगा नीचे भी हरा रंग होगा, होगा नहीं होगा, हाँ होगा। अब अगर वही एसडी आदत की बुक इतनी ऊंची हो जाए, अब चाकू चलाना संभव नहीं होगा इतना अंदर तक, है नहीं, तो उसका क्या है, जब ऊपर से काटेगा कोई बच्चा तो जब उसको निकालेगा तो अंदर तक नहीं, नीचे तक का नहीं निकाल पाएगा इस समय, है नहीं। अब तक अपने जो घन पड़े थे, अब तक वो जो घन काट रहे थे वो घन का मोटाई काफी तगड़ी हो रही थी, अब जो होगा घन जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसकी मोटाई बहुत कम है, मोटाई जो है वो मानो ऊंचाई जो है वो 1 सेंटीमीटर की होगी, और 1 ही सेंटीमीटर का आपको काटना है छोटा घन, तो वो ऊपर वाला इसका नीचे वाला इसका पूरा नहीं निकल आएगा, होगा निकले नहीं निकला, चौड़ाई चाहे भले हम 4 लग ले, लंबाई चाहे भले 4 लग ले, ये किताब की हम बात कर रहे हैं, मान लो पूरी किताब एसडी आदत की, मैं है टेंशन प्लीज कर ध्यान ध्यान कर दे, जैसे ये किताब है लंबाई एक्स्ट्रा है चौड़ाई भी काफी है पर मोटाई तो काफी कम है, अगर मैं इस पर अभी चाकू चला दूं ऊपर से तो जो हिस्सा ऐसे करके निकालू जो ऊपर होगा वही नीचे का निकल आएगा, वो क्वेश्चन में वही बात थी जो लोग नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना, उसकी मोटाई कम कर दी थी उसने, अगर इसकी मोटाई डबल कर दूं और बीच में से चाकू निकाल दूं तो नीचे वाली सतह नहीं आ पाएगी, तो सफेद वाला इतना नहीं आ पाएगा नीचे पे, आएगा नहीं आएगा, वो वाले क्वेश्चन में वही बात थी जो यूपीपी में आया था, जिसका आंसर लाना अपने आप में मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा था, सही है। चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखवा दे रहे हैं, हो सकता है एक पेज में लिखा जाए, आपने देखा ही होगा क्वेश्चन, लेकिन वो रिपीट कर जाए क्या पता,
फिर बच्चे कहेंगे सर जी आपने कराया नहीं था, तो हम करा ही दे रहे हैं। अभी बड़ा क्वेश्चन जी, हमने पहले बता दिया ये टॉपिक वो है जिसको समझना और समझाना दोनों ही अपने आप में कर रही थी। तब तक एक आध क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल रहा हूँ लिखो, मैं खाली हो बैठ लिखूंगा, लिखो। देखो एक ठोस घन की, एक ठोस घन की, एक ठोस घन की दो आसन सतहों को, दो आसन सतहों को, दो आसन सतहों को, आसन बोलो पड़ोसी सतहों को, आसन सतहों को पीले रंग से, दो आसन सतहों को पीले रंग से, जी दो आसन सतहों को पीले रंग से तथा ठीक विपरीत सतहों को, ठीक विपरीत सतहों को लाल रंग से, ठीक विपरीत सतहों को लाल रंग से तथा शेष सतहों को काले रंग से, तथा शेष सतहों को काले रंग से रंगा गया है। शेष सतहों को काले रंग से रंगा गया है। इसके पश्चात इसे 64 छोटे छोटे घनों में, इसके पश्चात इसे 64 छोटे घनों में, 64 छोटे घनों में काटा गया है, 64 छोटे घनों में काटा गया है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हुई है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हुई है। सारे बच्चों से आंसर चाहिए, बताओ।
इसका आंसर कितना बता रहे हैं आप लोग? 24 24 एक बात बताएं, ये यूपीएसआई में आया वो क्वेश्चन है तो आपको बोला गया था, इसमें रंग तीन तीन जगह करवा दिए उसने, करवाए तीन तीन रंग जी सर, पर बाद में क्वेश्चन के रंग में पूछा है उसने नहीं पूछा क्या, उसने ये पूछा है कि उसमें कितने छोटे कण होंगे, अरे ये तो पूछा केवल क्या पूछा है बताना जरा, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है हाँ जिनकी एक सतह रंगी हुई है ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह रंगी हुई है, तो ये तो मिडिल में ही होंगे जी, बताओ बताओ एक सतह रंगीन वाले घन कहाँ पर होंगे, बीचों बीच में, और यहाँ कितने छोटे घन थे 64, यानी स्मॉल एन का मान कितना होगा 4 होगा नहीं होगा जी, और अगर एक सतह रंगीन घन का फार्मूला देखा जाए, एक सतह रंगीन घन का फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है बताओ, 6n-2 की पावर, बस यही बात पूछी, तो उसने कोई रंग के बारे में चर्चा ही नहीं की, मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा बनाया और बाद में कोई बात रही नहीं, 6n का मान 4 है, 4 में से 2 जाके कितना बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन देख के लगा कि बहुत बड़ा है, तो एक सतह कौन सी रंगी होगा, तुम दिमाग का एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हो, कोने पर जाओगे तीन सतह वाले निकलेंगे, पर एक के टुकड़े, कल जो बताई थी वो कंडीशन के आधार पर बात बताई गई थी, ठीक है ना, कंडीशन के आधार पर, इसमें केवल सिंपल सी बात बोली है कि ऐसे कितने घर हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है, तो कोने वाले घर की होंगी क्या, उसमें तो तीन तरफ से रंग होगा, किनार वाले पर दो तरफ से होगा, एक सतह तो बीच वाले की होगी बस, ठीक है ना, रंग बोल देता है यहाँ पर मैं, ऐसे कितने घर हैं जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है, तब देखते कि कोने पर मिल रहा है क्या, किनारे पर मिल रहा है क्या, तब देखते हैं आप ऐसी कहानी को, रंग बोला ही नहीं तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, रंग नहीं बोला, उसने रंग दे दिया लेकिन बोला रंग नहीं, इसलिए ऐसा हुआ, ये हम ये क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा, देखो इस वाले क्वेश्चन को लिखते पारे लोग देखें मजबूती के साथ में क्या है इसकी कहानी, ऐसा सुना है कहानी, हमें लग रहा है बहुत सरल वाली दे रखी है, पहली शिफ्ट में तो ध्यान दे तो दिया हमने के दिमाग में आ गई ये बात कि यार एक सतह वाला रंग तो वहीं पर ही होता था, रंग की चर्चा नहीं थी, रंग बोल देता तब आप ढूंढते भी एक सतह पर कहां कहां लाल रंग है या पीला रंग है या काला रंग है, भाई वो जो क्वेश्चन आप दिलवा करवा रहे थे मेहनत करवाओगे ठीक है, इसमें बात बहुत ही पूछ लिया, इसका आंसर तो सबको रटा हुआ है ठीक है ना, मैं बोल दे रहा हूँ फिलहाल, मैं जो क्वेश्चन की बात कर रहा था वो 17 सेकंड का था यार, एक घनाभ बेटा सब लोग ले लेंगे है बात है नहीं, जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर है ठीक है, जिसका आयाम कितना रखा है 4 × 3 × 3 सेंटीमीटर, आप समझ गए होंगे ये घनाभ है नहीं है, और घनाभ उसमें घोल भी रखा है, लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 3, ऊंचाई कितनी है 3 ठीक है, अब आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं ठीक है, अन्य आयाम आयाम देखो ये है, इधर ध्यान दो, अभी पूछ रहे थे आयाम, ये वो भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन आयाम है, देखो 4 × 2 ये थोड़ी है कोई, भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन ही आयाम है, क्षेत्रफल कह सकते हैं, लंबाई बड़ा चौड़ा
मे भी ऐसा हो सकता है, भुजाओं की मल्टीप्लिकेशन ही देखो आयाम बोल रहा है, बोलूं नहीं बोल रहा है, ठीक है। अन्य आयाम चार गुणा तीन के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं, देखना तुम। आयाम तीन गुणा तीन के विपरीत फलक हरे रंग से रंगे गए हैं, हरे रंग से रंगे गए हैं, ठीक है। अब सुनो, अब घनाभ को एक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने छोटे घन हैं, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके तीन फलक रंगीन हैं। मुझे बुरा लगा ये बात जानकर, ठीक है ना। ऑप्शन देखो आप, ए ऑप्शन 36, बी ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन देखो ना, ये ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन आपका 12। मान लो ये पेपर में आया, अब तो साक्षात दर्शन होना है पेपर वाले को, ये पेपर ही है, ठीक है ना, कुछ और नहीं है। पढ़ा आपका पढ़ा हुआ है पूरा टॉपिक का, पढ़ाओ आंसर है। मुझे बुरा लगा ये बात जानकर कि इसने पूछा कितना सरल था ये क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। किसने क्या पूछा है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके तीन फलक रंगीन हैं, और तीन फलक का प्रोग्राम कहां पर होता है, किया ना दोबारा बताओ हैं, आंसर क्या था इसका, समझेंगे ना। अब मुझे अब ये वाला आएगा 17 सेकंड में यही क्वेश्चन। तो ये जो ग्राफ था चार गुणा तीन गुणा तीन, इसमें एक भुजा उसने एक दी रखी थी, मतलब मोटाई कम कर दी थी। ये घनाभ तो बड़े आराम से बन पा रहा है, ये घनाभ जब आप बनाएंगे तो मैं बता दूंगा कैसे बनाएंगे, देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, क्या पता पेपर रिपीट कर दे कुछ तुम। ये देखो, ये तो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा बना रहा है क्वेश्चन, ये चार हो गई, यहां से कितनी है चार, ये कितनी हो गई तीन, ये कितनी हो गई तीन। अब एक एक सेंटीमीटर के मैं काटूं, कहीं से भी काटूं, तो इस चार में देखो एक दो तीन बार चाकू चलाना पड़ेगा, मान लो एक दो तीन निकल जाएगी इससे, और इसमें भी देखो आप इधर से एक दो तीन, ऐसे सभी में बनना पॉसिबल है मेरे भाई, ध्यान देंगे आप मेरी बात पर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे सुन, दो लाइन तो दो ही होगी ना, हैं दो ही लाइन सर, उसमें तो हमने बोला था क्यों, चार सेंटीमीटर का है ना, तीन ये बचाई तीन वाले दो बार है सर, नहीं ऐसा कैसे हो सकता यार, तीन सेंटीमीटर का दो बार के वाले, अच्छा ऊंचाई हाँ सही कह रहे हैं, ऊंचाई तो यार ऊंचाई पर चार टुकड़े थोड़ी हो जाएंगे, ऊंचाई पर कितने टुकड़े होंगे, दो बार लाइनें खींचेंगी भाई, उसकी ऊंचाई का तीन रहता है ये, आपको समझ में आ गया ऊंचाई में तीन पीस हो गए एक सेंटीमीटर के, हो गए नहीं हो गए, चौड़ाई में भी एक सेंटीमीटर के तीन तीन पीस हो जाएंगे, देखना तुम। अब इसमें कितने करने बताओ, ये चौड़ाई ही तो है महाराज, आप देखें ये ऊंचाई ये चौड़ाई हो गई लंबाई, तो इसमें भी कितने पीस होने चाहिए तीन, तो चाकू कितनी बार चला दूं, दो बार आप समझ गए, कितनी बार चलेगा दो बार यही तो रहा है जी। अब तुम इस कोने को निकाल के देखो,
सब पर अलग अलग रंग भी तो दे रखे हैं उसने, चार गुना तीन में बता रहा हूं कौन सा है, मान लो चार ये है, ये भी तीन होगा, ये चार होगा, ये भी तीन होगा। अब चार गुना तीन की मल्टीप्लीकेशन ये ले लो आप, चार गुना तीन वाला, ठीक है ना, ये इस पर कौन सा रंग है, पीला है। देखो चार गुना तीन पर कौन सा है, पीला कर दो ऐसे करके, तो नीचे से भी तो कौन सा होगा, पीला ही होगा, क्योंकि विपरीत बल इस्तेमाल कर रहा है नहीं। अब वो कह रहा है चार गुना तीन पर, फिर देखो तो चार गुना तीन बेटा ध्यान दो, एक वाला तीन ये ले लो और एक चार ये ले लो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कौन सा रंग आ जाएगा, लाल रंग को नहीं होगा लाल। अब आगे क्या कह रहा है, चाहे चार गुना तीन ये ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, तीन गुना तीन, तीन गुना तीन, रुको ये लाल आया और ये तीन गुना तीन की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, ये रंग लगा दिया हमने कोने पर, तुम देख लो क्या तीनों पर रंग नहीं आएगा, कोने पर देखो यहाँ पीला यहाँ लाल यहाँ हरा, आएगा नहीं आएगा। और वो क्या कर रहा है, जिनके तीन फलक रंगीन है, तो तीन फलक किसके रंगीन होंगे, इस बोने वाले की जो होंगे, इसको बाहर निकालोगे इसके तीन सतह पर रंग लगा होगा, अंदर से क्या निकलेगा ये सफेद। अफसोस है इस बात को जानकर कि ये इतना इजी क्वेश्चन उसने पूछा था पहली शिफ्ट में, पर दूसरी बारी में खतरनाक आया था, जो दूसरी शिफ्ट हुई थी उसमें पता है क्या खतरनाक था, मैं बता रहा हूँ कुछ खतरनाक सही था, इसकी ऊंचाई जो ना ऊंचाई वो एक सेंटीमीटर कर दी। अब आप आइडिया लगाओ इसकी जब ऊंचाई एक सेंटीमीटर कर दी जाएगी तो ये किताब नहीं बन गई, देखा ये किताब बन गई नहीं बन गई, एक तरह की किताब बन गई नहीं बन गई, और इसको ही एक सेंटीमीटर का काटा जाए, पता है इसमें क्या नहीं समझ में आया था, बोला ऐसे कितने घने जबकि एक सतह पीला रंग दे रहा हूं यहाँ पर, एक सतह पीले रंग से रंगी हुई है, दो दो विपरीत सतह, हाँ देख दो विपरीत सतह क्या है, पीले रंग से रंगी हुई है। तो मैंने जब देखा कि मान लो यहाँ कौन सा रंग चढ़ता है, हरा, और यहाँ अब मान लो मैं जब इसको काटूंगा एक सतह पीले रंग से कह रहा है वो बात कर रहा है, तो एक सतह पीले रंग की इसी में से निकालूंगा और इसकी मोटाई जो बहुत कम है और दोनों विपरीत सतह पर पीला रंग नहीं आ जाएगा, कहाँ अगर ऊपर पीला तो नीचे से भी तो क्या आ जाएगा, क्योंकि मोटाई इसकी एक ही सेंटीमीटर और एक ही सेंटीमीटर का काटना था। अब इसकी मोटाई अगर बढ़ा दी जाए तो तुम्हें लग रहा है आ जाएगा फिर नीचे से पीला रंग, अब वहां दिमाग में नहीं आएगी दो विपरीत सतह पर पीला रंग कैसे आ जाएगा यार, जब इसको निकाल रहा हूं तो नीचे से होगा ही नहीं विपरीत सतह पर पीला रंग, तो विपरीत सतह पर पीला रंग कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन ये दिमाग आ ही नहीं आता वहां पर भी इसकी मोटाई एक सेंटीमीटर ही बोली गई, तो मोटाई के साथ उसने वहां पर धोखा किया था, इसकी मोटाई एक सेंटीमीटर बोल दी थी, ये चार ही थी, ये तीन ही थी, ये जब किताब की मोटाई कम होगी तो निश्चित रूप से ऊपर से निकालोगे तो नीचे से भी वैसी निकल आएगी वो बाहू, और दोनों विपरीत सतहों पर पूछा था कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो विपरीत सतहों पर पीला रंग होगा, बताओ कोई है ऐसा घन दो विपरीत सतहों पर पीला रंग, केवल यही वाली सतह है जिसकी दोनों विपरीत सतहों पर पीला रंग होगा, ठीक है ऊपर से भी होगा और नीचे से भी होगा, क्योंकि नीचे से भी ये कैसा रंग होगा पीला, ये 17वीं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो ये जो पहली शिफ्ट में दिया है बहुत ज्यादा इजी वाला था, वो थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया था उसने, जिसको डायग्राम बनाना आया होगा वो समझ गया होगा कि ये किताब की भाषा बता दी है, केवल दो वाले केवल विपरीत वाले लेंगे कोई अन्य नजर लगा होगा उसको भी देखेंगे, मैंने उसने पूछा था कि ऐसे कितने घन है जिनकी दो विपरीत सतहों पर पीला रंग है, दो विपरीत सतहों पर हाँ बाकी सब साफ है, बाकी सब साफ है, दो विपरीत सतहों पर पीला रंग है बाकी कोई सतह रंगी भी नहीं है। अब अगर तुम खुद दिमाग लगाओ इसकी मोटाई अगर तुमने बढ़ा दी तो क्या ये पीला रंग विपरीत सतह पर मिल जाएगा, मोटाई कम है किताब की मोटाई में आ गई, यदि ऊपर से फाड़ के निकालो तो नीचे तक का निकल आएगा, तो नीचे भी पीला रंग है ऊपर भी पीला रंग है, अब इतनी मोटी किताब नहीं है ना पढ़ना, मैं आपको थोड़ा बताता एग्जांपल, मान लो देखो किताब की मोटाई नहीं है यहाँ से काट दो इस किताब को तो ऊपर निकाल लो ऊपर भी पीला नीचे भी पीला आ जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन इतनी मोटी किताब पढ़ दूं मान लो तीन सेंटीमीटर ऊंचाई कर दूं काट रहा हूँ एक ही सेंटीमीटर में, तो बताओ तीन सेंटीमीटर की ऊंचाई करके एक सेंटीमीटर में अगर मैं काटूंगा तो फिर बीच का हिस्सा आएगा नहीं आएगा सफेद वाला भाई, ऊपर वाला आएगा एक बीच का आएगा, बीच में छूट भी जाएगा नीचे का आएगा तो फिर एक उसका भी छूट जाएगा, तो वहां पर बन ही नहीं सकता, और इतनी बात दिमाग में नहीं आ रही वहां पर, ठीक है आज की मोटाई कम कर रखी है उसने, ये किताब की भाषा थी और कुछ नहीं था, और 17वीं फर्स्ट सेकंड का खाली इतनी देखो कहानी लिखी है इतनी लंबी चौड़ी, और पूछा क्या देखो कितना हल्का क्वेश्चन पूछा है, ये अभी जस्ट मैंने पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, रंग तो तीनों दे दिए थे और पूछा कितना कि ऐसे कितने घने थे, ये चक्कर रंगी हुई है ऐसे धोखे करता है।
थ्योरी ज्यादा पढ़ता है को थ्योरी देखो इस थ्योरी को देखकर तो चार तो लगता खा जाऊंगा अरे चेक हो गया कुछ पर भाई जिसने ये क्लास जैसे पढ़ी होगी ऐसे तो उसको एक बात तो पता होगी कि कोने पर तो हमेशा आंसर कितना आता है 8 कोने पर 8 आता है ये बात की गारंटी है कोने वाले पर क्या 3 सतह लगी हुई होती है और 3 सतह ही वो पूछा है जिनके 3 फलक रंगीन है ऐसे कितने घनाभ है या घन है जिनकी 3 सतह रंगीन है तो क्या कोने वाला देख के आंसर नहीं मार सकते थे अभी से ध्यान रखिए ये टॉपिक आ सकता है फिर से जिसका एग्जाम है वो लोग थोड़ा सा ना फोकस कर लें ठीक है समझ गए बात को चलो इस टॉपिक से जुड़ी सारी बातें हम लगभग बता चुके हैं आपको सेवा समाप्त हो रही है ठीक है।